श्री प्रश्न 8। अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर है कै। हाँ श्रीमान जी, खै संबंधित शेयर धारकों की मांग पर बिड़ोला माइनर की बुर्जी संख्या 21,000 से आगे कुल कमान क्षेत्र कृषि समान क्षेत्र सिंचाई के लिए छपार माइनर और थिलोर डिस्ट्रीब्यूटरी पर शिफ्ट हो गया है। पहले ये बिड़ोला माइनर 30,500 बुर्जी की थी, जो इसके लास्ट के तो किसानों का चक एरिया था, उन्होंने ज़्यादा सिंचाई करवाने के लिए दूसरी माइनर पर अपना इलाका ट्रांसफ़र कर लिया। अब इसके 21 के बाद कोई इलाका रहा नहीं, इसलिए इस आगे बुर्जी नहर बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं। अध्यक्ष जी, मैं ये जवाब पढ़ रही थी। पहली बात तो ये है, सरकार का ये वायदा है कि टेल तक पानी पहुंचाना जरूरी है, अनिवार्य। हर एक सदन के अंदर ये बात कही जाती है, टेल तक पानी जाएगा। अब ये कह रहे हैं इसको हटा दिया गया है। ये मेरे पास ग्राम सभा के लोगों की पूरा का पूरा जो है उनका प्रस्ताव आया हुआ है। वो कहते हैं कि 6.5 बुर्जी जो है उसको कम कर दिया है, 27,000 से आरडी से 21,000 आरडी कर दिया है। और उन्होंने लिखित में दिया है कि ना तो उनसे पूछा गया, जवाब में यहाँ पे दिया है, अध्यक्ष जी, ऑन डिमांड ऑफ शेयर होल्डर्स कंसर्न द टोटल एरिया ऑफ 947/612 ग्रॉस कमांड एरिया कल्चरल कमांड एरिया एकर बियॉन्ड आर डी 21,000 ऑफ बिड़ोला माइनर हैज बीन शिफ्टेड टू आउटलेट आर डी 5,000 लेस ऑफ छपार माइनर एंड टू आर डी 16,500 राइट ऑफ थिलोर डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर इरीगेशन इन दिस एरिया। ये कहते हैं कि हम उनके पूछने के बाद, अब ये मेरे पास उनका ये जो है पूरा का पूरा प्रस्ताव आया हुआ है, उन्होंने कहा है कि हमारे से पूछा नहीं गया। वो लिखते हैं बार बार अधिकारियों से मिले, अधिकारियों ने बताया कि आपकी जमीन का रकबा इस माइनर से हटा दिया गया है, और जो किसानों को बताया तक नहीं गया। अब जो है ये लिंक जो है, अब इसके अंदर टेल तक पानी कहाँ जाएगा? ये जो है 150 और 200 एकड़ जो जमीन है ये छपार सब माइनर की है, उसको भी ये थोड़ा इरिगेट करेगी, उसमें नो डाउट। पर लेकिन जो ऑलरेडी जो चल रहा था उसको आप 27,000 से घटाकर आप 21,000 कह रहे हो, और कह रहे हो कि हमने लोगों से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे हमने परमिशन लिए। ये तो सरासर झूठ है अध्यक्ष जी। अब टेल तक वहां पे पानी पहुंचता नहीं है, जो है वहां कम करा जा रहा है। एक जगह के ऊपर इतना पैसा डाला जाता है कि वहां पे पूछो ना। अब मेरे को बोलने की बात नहीं है यहाँ पे सदन के अंदर, लेकिन सच्चाई है ये कि सबका साथ सबके विकास की जब बात होती है तो सबको बराबर मिलना चाहिए। ये क्या मतलब हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर तो इतने इतने करोड़ों रुपए डाल दो, रोज अखबारों के अंदर आता है, और यहाँ पर जो है जो जायज डिमांड है लोगों की, जो टेल तक पानी की बात कर रहे हैं, वो उनको पानी की बात छोड़िए, टेल तक की तो बात छोड़िए, उनके जो बिड़ोला माइनर जो दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है उसको वो कर दिया गया है। तो मैं ये कहना चाहूंगी अध्यक्ष जी कि इसको दोबारा से उतना ही बुर्जी जो 6.5 बुर्जी इन्होंने कम करी है वो पूरा वहां पे दिया जाए, ताकि टेल तक पानी मेयर को पूरा करने दीजिए, टेल तक पानी जो है वहां पे पहुंचे, लोगों को परेशानियां ना हो। वैसे ही जो है अभी वो मेरे एक माय ऑनरेबल विधायक कह रहे थे कि हमारा पानी इतना सारा है, इतना ज्यादा है, उसको काट दीजिए। कहते हम काटेंगे नहीं, तो अरे जहां पर जो जरूरत है वहां तो आप भेज दो, ये काम करो। मंत्री होने का मतलब ये है कि आप सारी की सारी पॉलिसीज बनाओ। अब इस तरह से तो ना हो कि आप झूठे जवाब जो है जो हम सदन पटल के ऊपर दिए जा रहे हैं कि उनसे पूछा गया है, जब सारा गांव इकट्ठा होकर मेरे को ये बात कह रहा है। अध्यक्ष महोदय, सिंचाई का पानी देते हैं वो कमांड एरिया की सिंचाई के लिए होता है। नहर ये 30,500 बुर्जी की थी, 21 और 30,000 के बीच में दो मोगे थे जिससे सिंचाई होती थी। उसके शेयर होल्डर ने कहा है कि हमें इस नहर से पानी नहीं लेना, हमें पड़ोस वाली नहर से पानी लेना है। और इसका एक तरीका होता है, वो केस करते हैं एसडीओ के, एक्शन के, कैनाल ऑफिसर के, और उनकी सुनवाई होती है, उसके बाद वो एरिया ट्रांसफर होता है। वो सारी कार्रवाई कर चुके हैं, वो दूसरी जगह से पानी लगा रहे हैं, और ग्राम सभा का प्रस्ताव लिया है। मैं पटल और दूसरी बात ये है कि गांव वालों ने लिख कर दिया हुआ है मुझे, मैं अभी दौरे पे थी अपने इलाके के अंदर, वहाँ पर लोगों ने बताया मुझे। कुछ सदस्यों को दिक्कत ये है, पड़ोसी हल्के में इतने सालों के बाद थोड़ा सा पानी मिल गया, वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, इनको दिक्कत हो रही है।
मुख्यमंत्री जी की नीति है कि पूरे क्षेत्र को समान बंटवारा करे, सबको पानी दे, नीति बना के पानी दे। तो शाम को भी हम पानी दे रहे हैं, लेकिन एक एक क्षेत्र को दो नहरों का पानी नहीं दे सकते, एक नहर से ही पानी मिल रहा है। उन शेयर होल्डर ने जो पानी मांगा है, इन्होंने जिस नहर से मांगा है उससे पानी दे दिया। इन्होंने इन्होंने कहा कि हम तो शाम को भी पानी दे रहे हैं। पानी मांग के अंदर पानी पूरा नहीं आ रहा, क्या बात कर रहे हैं ये भ्रमित करते हैं। और ये असली बात जो है, किसान शेयर होल्डर ने अपनी मर्जी से स्वेच्छा से केस करके पानी दूसरी नहर से मांगा, उनकी स्वीकृति दे दी, वहाँ से पानी लग रहा है। और वो ये ग्राम सभा कहाँ से आ गया? ये अरे ग्राम सभा तो नहीं है, पर गांव वाले तो हैं ना, गांव वाले तो हैं, गांव वाले उस ग्राम उस नहर के शेयर होल्डर को उन्होंने अपनी मर्जी से वहाँ से पानी लिया। ऐसे तो ग्राम सभा का मतलब नहीं है, जो शेयर होल्डर होंगे वो पानी मांगेंगे। सच्चाई की बात है, अपील उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ लोगों को जानकारी कागज पकड़ के भाषण धन्यवाद मुख्यमंत्री ने अपनी मर्जी से अपने तरीके से ये जो बात करते हैं वो मत आप सुनिएगा। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए ये देखिएगा कि किस तरह से जो है हमारे साथ जो है तो शाम के साथ जाति करी जा रही है, हमारी नहरों में पानी नहीं डाला जा रहा। हो गया सुरेंद्र कुमार जी, प्रश्न संख्या 9। अध्यक्ष महोदय मैं क्लेरिफाई फिर करना चाहता हूँ।